की वेबसाइट खोल ली, मैंने लॉग इन कर लिया, ठीक है। मैं लॉग इन कहीं से भी कर सकता हूँ, मैंने अपनी गिटहब से लॉग इन करा है, ठीक है। इससे ये डिपेंड नहीं है कि मैं गिटहब, आप लोग ईमेल से कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अभी गिटहब अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ लॉग इन की बात हो रही है, नेटलिफाई की हद तक है। आगे हमारे पास डैशबोर्ड इस तरह का आता है, कुछ भी यूज़ करें, सही है। और इसमें हमारे पास 500 वेबसाइट पर बंदा अपलोड कर सकता है, तो फिर बेफिक्र होकर करते रहें। जब आपको 500 की लिमिट ख़त्म हो जाए तो आगे नया ईमेल बना लें, उससे कर लें, ठीक है। हम पाकिस्तानी कौन हैं, ऐड न्यू साइट पे गए। अब यहाँ तीन ऑप्शन है, ऐड एन इम्पोर्ट इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट। स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट वो टेम्पलेट खुद ही बनाने का ऑप्शन होता होगा। यहाँ अगर मैं जाता हूँ, हाँ ये मैंने बनाया, ठीक है। ये तो टेम्पलेट की बात होगी। इम्पोर्ट जब हम करते हैं तो गिटहब, बिट बकेट, गिट लैब, इन चीज़ों से होता है। अभी हम HTML पे हैं, CSS पे हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय मैनुअली में किया, उसने मुझे सीधा सा UI दे दी। यहाँ तक सब पहुँच जाते हैं या यहाँ पे आने में भी प्रॉब्लम था? लॉगिन ही नहीं हो रही। अच्छा देखो, लॉगिन करने के लिए हमें थोड़ा मसला है, साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। साइन अप कर लिया आपने एक दफ़ा, फिर लॉगिन कर लिया, ठीक है। मे बी आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक आती है, उससे आपने अकाउंट वेरीफाई कर लिया। जब आप लॉगिन हो गए, ऐड न्यू साइट पे गए, डिप्लॉय मैनुअली, अब यहाँ पे फोल्डर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब देख लो, यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर खोला, प्रोजेक्ट्स में गया, SMIT HTML CSS, आज का प्रोजेक्ट जो है 12। मेरे में देख लें, फोल्डर में index.html की फाइल भी है और style.css की फाइल भी है। हमारी नेटलिफाई CSS की फाइल को नहीं जानती, उसको जानता है HTML। नेटलीफाई सिर्फ जानती है index.html को। तो हमने ये पूरा फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करा, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अपलोड होना शुरू हो गया, देख रहे हैं। और मेरी वेबसाइट बनके रेडी हो गई, ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय। ये मेरी लिंक है करेंटली। नाम चेंज करने का तरीका क्या है, दोबारा देख लें। इधर ऑप्शन डिप्लॉय सेटिंग जर्नल चेंज साइट नेम SMIT 12/1/24 सेव। ये मेरा नाम रखा था अभी, .netlify.app सिंपल। किसी को कोई मसला, डिलीट भी हो जाती है, पूरा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाता। हाँ क्या, नहीं देखो, गिटहब से जो हम कनेक्ट करते हैं ना, तो गिटहब का कोड वो रीड कर रही होती है, ठीक है। अभी हमारा क्या है, सब यहाँ सुने, जब हम मैनुअली डिप्लॉय करते हैं तो क्या होता है, नेटलिफाई हमारा कोड अपने सर्वर पे रखता है और हर वक्त वहाँ से रीड करता है। गिटहब से क्या होता है, नेटलिफाई हमारा कोड अपने पास नहीं रखता, गिटहब से रीड कर रहा होता है। तो जब भी हम पुश करते हैं न्यू चेंजेस, वहाँ से रीड कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ चेंज करा, जैसे मैंने HR बनाया, और इस पर नहीं, कहाँ चेंजेस नजर आएंगी, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे 4 HR आ गई। अब मुझे इसको भी डिप्लॉय करना हो तो, बल्कि ये नहीं है, जीप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कुछ हैवी लग रहा है। अब मुझे इसको डिप्लॉय करना है तो क्या करूँगा, मैं अपने डैशबोर्ड पे दोबारा आता हूँ। इस तरह का दिख रहा है, कौन सी वेबसाइट थी, ये वाली। इसके अंदर गए, डिप्लॉयज,
नीड न्यू अपडेट ऑन योर साइट? मैंने कहा हाँ भाई, मतलब अपलोड कर दिया। इसने क्या किया, पब्लिश्ड। हम यहाँ आए, देखो अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन सही है।